In this particular video, we are going to learn about oil circuit breaker. Okay, oil circuit breakers. First of all, particular in this type of breaker, we use oil as an arc quenching medium. Okay, and this one is the oldest type of circuit breaker. Okay, see, this employs oil as an arc quenching medium. So the contacts of the circuit breakers are separated in the oil, okay, because both of the contacts are immersed in the oil. So the bubbles of gas are formed which prevent rail striking of the arc after the current reaches to zero point of the cycle. We will explain, okay, किस तरह से ये जो है वो काम करता है. सबसे पहले आप देख लीजिए कि ऑयल सर्किट ब्रेकर जो है होता क्या है. तो ऑयल सर्किट ब्रेकर के अंदर जो है एक टैंक होती है जो कि फुल जो है वो एयर टाइट होती है. वो टैंक जो होती है इस तरह से कुछ होती है और वहाँ पे ये कॉन्टैक्ट इनकमिंग कंडक्टर और ये आउटगोइंग कंडक्टर कोई भी एक फेस का मैंने लिया है, ठीक है. सो इनकमिंग कंडक्टर और आउटगोइंग कंडक्टर और यहाँ पे जो है वो जो भी सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स मूविंग कॉन्टैक्ट या फिक्स कॉन्टैक्ट रखे होते हैं इस तरह से होते हैं. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये दोनों के दोनों जो कॉन्टैक्ट्स है फिक्स्ड और मूविंग कॉन्टैक्ट होगी वो दोनों के दोनों इसके ऑयल के अंदर इमर्स्ड होंगे. ओके, सो जब ये कॉन्टैक्ट जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट होंगे, मूविंग या फिर फिक्स कॉन्टैक्ट सेपरेट होना स्टार्ट होंगे, तब क्या होगा, बहुत ही हाई अमाउंट में जो है वो गैस प्रोड्यूस होगी. क्यों गैस प्रोड्यूस होगी, क्योंकि वहाँ पे जब भी कॉन्टैक्ट सेपरेट होंगे तो बीच में आर्क प्रोड्यूस होगी. वो आर्क की वजह से बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, क्योंकि करंट डेंसिटी वहाँ पे जो है वो बढ़ चुकी है. तो हीट अगर ज़्यादा होगी तो हीट जो है वो ऑयल को क्या करेगा, गर्म कर देगा, यानी कि डिकम्पोज करना स्टार्ट करेगा. अगर ऑयल का डिकम्पोजिशन होता है तो हमें पता है ट्रांसफार्मर के केस में भी हमें पता है कि ऑयल का डिकम्पोजिशन अगर होता है, एक्सपेंशन होता है, तो वहाँ पे कुछ गैसेस जो है वो फॉर्म होती है. यानी कि ऑयल अगर एक्सपांड होता है या फिर डिकम्पोज होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में मोर देन 70 या 75% से ज़्यादा भी हाइड्रोजन ही होती है, ठीक है. हाइड्रोजन फॉर्म होता है उसमें, हाइड्रोजन गैस के बबल जो है वो क्रिएट होते हैं. उसके बाद जो है थोड़ा बहुत इथिलीन होता है, थोड़ा बहुत जो मिथेन भी होता है, ठीक है. सो ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन होता है और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी हमें पता है क्या है, इट इज़ हैविंग बेस्ट कूलिंग प्रॉपर्टी. हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है ना वो इस तरह से कि वो बहुत ही कूल गैस है, ठीक है. वो ही जो कूलिंग है वो आर्क को बढ़ने से रोकेगा और आर्क को क्या करेगा, वो कूल डाउन कर देगा, ठीक है. वो तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन जो बन रहा है वो हमारे लिए फायदेमंद होगा, ठीक है. सो देखिए, ये तो अभी ब्रीफ ही आइडिया मैंने दिया है, मैं आपको आगे समझाऊंगा वन बाय वन, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप. सो हाइड्रोजन गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम अबाउट 1000 times दैट ऑफ ऑयल डिकम्पोज. सी, ये बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो कितनी स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करता है, कितनी स्पेस, कि जितने अमाउंट में, जितना अमाउंट वॉल्यूम आपका है उतने पर्टिकुलर अमाउंट से 1000 times ज़्यादा जो है स्पेस ये अपना ऑक्यूपाई करता है हाइड्रोजन कंपेयर टू ऑयल, ठीक है. सो हाइड्रोजन गैस बबल सराउंड्स द एयर आर्क रीजन एंड सराउंडिंग पोर्शन ऑफ द कॉन्टैक्ट. जब भी दोनों कॉन्टैक्ट ये सेपरेट होंगे तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस इस तरह से कुछ बन जाएंगी और बबल हो जाएगा और यहाँ पे जो है वो आर्क अपने ये दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में ही होगी ना आर्क, ठीक है ना. तो आर्क को वो क्या करेगा, कूल डाउन करेगा. जैसे जैसे ये कॉन्टैक्ट को आप सेपरेट करोगे उस तरह से मॉलिक्यूल्स कम होते रहेंगे, ऑयल का डिकम्पोजिशन चलता रहेगा और वहाँ पे हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती रहेगी, ठीक है. उसके बाद जब भी कॉन्टैक्ट आप इस तरह से मूव करोगे, सेपरेट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आर्क की लेंथ बढ़ जाएगी, आर्क का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और आर्क आपकी एक्सटिंग्विश हो जाएगी, ठीक है. ये बेसिक आइडिया था. अभी चलते हैं हम कि जो पर्टिकुलरली ऑयल सर्किट ब्रेकर है वो किस तरह से काम करता है वो जो है हम देख लेते हैं. देखिए, जनरल केस में क्या होता है कि ये दोनों कॉन्टैक्ट जो है, ये देखिए ये पूरा चैम्बर ही है, हाँ देखिए ये पूरा चैम्बर ही है मान लीजिए, और यहाँ पे ये फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट है और ऑयल से भरा पड़ा है, ठीक है. ऑयल के अंदर इमर्स्ड है दोनों के दोनों कॉन्टैक्ट. तो ये हो गया, मान लीजिए ये फिक्स कॉन्टैक्ट हो गया, ये अपना मूविंग कॉन्टैक्ट हो गया. तो जब भी ये नॉर्मल कंडीशन में है, दोनों के दोनों जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उसके बाद
जब भी कोई फॉल्ट प्रोड्यूस होता है तो फॉल्टी करंट के फॉल्ट करंट को जो है वो इंटरप्ट करने के लिए ये दोनों कॉन्टैक्ट जो है वो सेपरेट होने लगते हैं। जब भी सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट दोनों सेपरेट होंगे वहाँ पे जो है वो ये आर्क प्रोड्यूस होगी, और ये आर्क की वजह से क्या होगा, आर्क जो है बहुत ही हाई मैग्नेटिटी ऑफ करंट की होती है वो, क्योंकि देखिए आर्क करंट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ऑब्वियसली जो मैग्नीट्यूड है फॉल्ट करंट का उसी पे डिपेंड करेगी ना, क्योंकि जितना ज़्यादा फॉल्टी करंट आएगा ज़्यादा से ज़्यादा आर्क फॉर्म होगी और ज़्यादा से ज़्यादा हीट फॉर्म होगी ना, तो हीट भी किसके ऊपर डिपेंडेंट होगी, जो भी आपका मैग्नीट्यूड है करंट का उस पे, तो हीट प्रोड्यूस होगी और हीट की वजह से ये ऑयल जो है इसके सराउंडिंग कॉन्टेक्ट के सराउंडिंग वो ऑयल का डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट होगा एक और प्रोसेस होगी, वो प्रोसेस होगी टर्बुलेंस की प्रोसेस। टर्बुलेंस प्रोसेस क्या होगी, यहाँ जो ऑयल है वो ऑयल जो है ना इधर उधर जाएगा, ठीक है। टर्बुलेंस की वजह से क्या होगा, मतलब ये हीट की वजह से क्या, ऑयल का एक्सपांड होना स्टार्ट हो जाएगा और ऑयल जो है ना वो टर्बुलेंस है उसके अंदर जो है कुछ इस तरह से जो है वो वाइब्रेशंस क्रिएट होगा, तो वो क्या होगा उस टाइम पे वो इधर उधर ऑयल जो है वो जाने लगेगा, तो वो भी जो है वो उस हिसाब से क्या होगा, वो स्पेस थोड़ा सा जो है वो यहाँ से खाली कर देगा और वहाँ पे क्या हो जाएगा, गैस जो है ये हाइड्रोजन गैस है वो अपना ये बबल यहाँ पे क्रिएट कर लेगी इस तरह से, क्योंकि वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है, हाई प्रेशराइज गैस होगी, तो इस तरह से ये जो है ना वो बबल क्रिएट कर लेगा हाइड्रोजन गैस। तो 70-80% गैस जो है ना वो फॉर्म होती है वो हाइड्रोजन ही होती है जब गैस जो है वो अपना डिकम्पोज होना स्टार्ट होता है। उसके बाद ये हाइड्रोजन जो है वो आर्क को सराउंड कर लेती है इस तरह से, ठीक है, तो कूलिंग प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन के पास, तो ये आर्क को वो कूल डाउन करेगी और जैसे जैसे आप ये लेंथ बढ़ाते जाओगे आर्क लेंथ आपकी इंक्रीज हो जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ आर्क आपकी वैनिश हो जाएगी, ठीक है। ये सिंपल कंसेप्ट है ऑयल सर्किट ब्रेकर का, इसके टाइप्स भी है, देखिए हम चलते हैं टाइप्स की ओर। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं जो मैंने जो भी मैंने अभी बोला ये मैंने थ्योरी के रूप में लिखा है यहाँ पे कि आर्क एक्सट्रूशन जो ऑयल सर्किट ब्रेकर में किस तरह से होता है। सी हाइड्रोजन गैस हैज हाई कंडक्टिविटी एंड कूल्स द आर्क, सो इट एड्स द डीआयोनाइजेशन ऑफ द मीडियम बिटवीन द कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। जो आर्क होगा उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो वहां पे क्या करेगा कि वो मीडियम को आयोनाइज होने नहीं देगा, ठीक है, आयोनाइज होने नहीं देगा और डीआयोनाइज जो है वो करता रहेगा, तो क्या होगा आर्क जो है वो वीक वहां पे वीक हो जाएगी। सो द गैस सेटअप्स टर्बुलेंस इन द ऑयल एंड फोर्सेस इट इन टू द स्पेस बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स, अभी मैंने जो बताया, दस एलिमिनेटिंग द आर्किंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम द आर्क पाथ, ठीक है, जो भी आर्किंग प्रोडक्ट्स होंगे उसको रिमूव कर देगा। द प्रेशर बिल्डअप ऑफ फ्लो ऑफ गैस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिजाइन ऑफ आर्क कॉन्टैक्ट डिवाइस एंड इट स्पीड अप ऑफ द कॉन्टैक्ट ट्रैवल एंड एनर्जी लिबरेटेड बाय द आर्क। सो व्हाट आर द एप्लीकेशंस, इज यूज्ड अप टू 66 केवी। ओसीबीज हैव बीन डेवलप्ड फॉर द वोल्टेज रेटिंग्स लाइक 3.6 केवी, 7.2 केवी, 12 केवी, 36 केवी, 72.5 केवी, 145 केवी एंड 245 केवी। मूविंग फर्दर लेट्स have a look on the types of oil circuit breaker. So first point or first method is the bulk oil circuit breaker. First type is bulk oil circuit breaker and second one is low oil or you can say minimum oil circuit breaker, which is nothing but MOCB, minimum oil circuit breaker. The first one is bulk oil circuit breaker. Bulk oil circuit breaker, it is having two parts, okay, plain break oil circuit breaker and arc control circuit breaker. I can write here also plain break, it is having two part which is nothing but single break. ये single break जो है ना अभी ये use नहीं होता है, ठीक है, इसलिए मैं आपको समझाऊंगा लेकिन briefly मैं समझा दूंगा कि ये single break क्या है। यहाँ पे जो है ना ये double break होगा, double break, तो ज़्यादातर अभी जो oil circuit breaker अगर मैं use करूँ तो ये double break ही use करूँगा, ठीक है, इस इन दोनों में से, इन दोनों के compare में करूँ तो, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद जो है वो आर्क कंट्रोल ऑयल सर्किट ब्रेकर, दो टाइप है बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर के, प्लेन ब्रेक और एयर कंट्रोल, सॉरी आर्क कंट्रोल। सो आर्क कंट्रोल जो है उसके भी दो पार्ट है, सेल्फ ब्लास्ट और फोर्स्ड ब्लास्ट, समझाऊंगा मैं आपको। सेल्फ ब्लास्ट के जो है ना वो तीन टाइप्स है, किस तरह से, मतलब ये चैम्बर जो है ना, चैम्बर सर्किट ब्रेकर जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा लेकिन चैम्बर जो है ना वो बदल जाएगी, तो किस तरह से होगी, प्लेन एक्सप्लोजन पॉट, क्रॉस जेट और ये सेल्फ कंपनसेटेड एक्सप्लोजन पॉट। ये आपको वन बाय वन मैं आपको समझा दूंगा, लो ऑयल और मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर जो है ना वो मैं अगले लेक्चर में लूँगा, ठीक है, तो सेकंड पार्ट में, क्योंकि ये लंबा लेक्चर हो जाएगा। उसके बाद जो है ये है बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर, सबसे पहला जो टाइप है वो है बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर।
सो बल्क कॉइल सर्किट ब्रेकर क्यों इसका नाम जो है बल्क कॉइल है, क्योंकि इसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑयल जो है वो रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ऑयल चाहिए इसके अंदर। इट सर्व्स टू पर्पस। देखिए अगर मैं लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑयल मैं बोलूँ तो अगर आपको आइडिया नहीं आए तो मैं दिखा सकता हूँ आपको। ये देखिए आप, ये जो है ना ये अपना टैंक है, आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा टैंक है, ठीक है, ये ऑयल सर्किट ब्रेकर है और बहुत ही बड़ा, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे बाजू में कोई इंसान खड़ा रहेगा तो इतना ही दिखेगा, ठीक है ना, तो ये बहुत ही बड़ी अमाउंट मतलब बिग साइज़ में जो है वो अवेलेबल रहता है, ओके, क्योंकि ऑयल की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा हद तक रहती है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑयल इज रिक्वायर्ड, इट सर्व्स टू पर्पस। पहला पर्पस क्या है, इट एक्सटिंग्विश द आर्क ड्यूरिंग ओपनिंग ऑफ कॉन्टैक्ट। हमें पता है कि आर्क को एक्सटिंग्विश करने के लिए वहाँ पे कोई मीडियम हमें चाहिए, चाहे वो एयर हो, ऑयल हो, गैस हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, इन सभी में से हमें चाहिए, तो यहाँ पे तो ऑयल ही होगा ना। सो इट एक्सटिंग्विश द आर्क ड्यूरिंग ओपनिंग ऑफ द कॉन्टैक्ट। सेकंड क्या है, इट इंसुलेट्स द करंट कंडक्टिंग पार्ट्स फ्रॉम वन अदर और ईच अदर एंड फ्रॉम अर्थ टैंक, ठीक है, ये दूसरा जो है वो पर्पस हो गया। अब दो टाइप्स के बल्क कॉइल सर्किट ब्रेकर है, एक है प्लेन ब्रेक और दूसरा है आर्क कंट्रोल। प्लेन ब्रेक जो है वहाँ पे सिंगल ब्रेक भी होगा और डबल ब्रेक भी होगा, ठीक है, सिंगल ब्रेक भी होगा, डबल ब्रेक भी होगा, और एक रहेगा आर्क कंट्रोल ऑयल सर्किट ब्रेकर। ओके, लेट्स सी वन बाय वन। देखिए पहले जो है ना मैं आपको प्लेन ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर दिखा देता हूँ। सी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्लेन ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर है। द कॉन्टैक्ट्स आर सेपरेटेड अंडर होल ऑयल इन द टैंक, ओके, एंड द आर्क इज एक्सटिंग्विश ओनली बाय इंक्रीजिंग द गैप बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स, सो मोर लेंथ ऑफ मूवमेंट इज रिक्वायर्ड, सो साइज विल बी इंक्रीज्ड। देखिए यहाँ पे प्लेन ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर में क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैं सिंगल ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर दिखाऊँ। पहले प्लेन ब्रेक में दो टाइप्स थे ना, सिंगल ब्रेक और डबल ब्रेक, तो ये सिंगल ब्रेक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने दिखाया है ये है अपना सिंगल ब्रेक, क्या है सिंगल ब्रेक, सिंगल ब्रेक, तो ये है आम जिंदगी, ठीक है, इसके बाद हम मेंटोस जिंदगी भी देखेंगे। ये है सिंगल ब्रेक, सिंगल ब्रेक के अंदर जो है वो सिंपल जो है वो ये अभी जो है वो यूज़ नहीं होता है, लेकिन इसका मैकेनिज्म अगर मैं दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पे एक ड्राइवर जो है ना ये ड्राइविंग लीवर होता है, और ड्राइविंग लीवर जो है ना कनेक्टेड होता है ये मूविंग कॉन्टैक्ट से, ठीक है, जो मूविंग कॉन्टैक्ट को मूव कराने के काम आता है। आप देख सकते हैं ये जो है ना ये बुशिंग्स है, बाहर की तरफ अगर देखें ये टैंक की तो ये बुशिंग्स है, अभी मैंने जो आपको दिखाया था कुछ इस तरह से, देखिए ये जो बाहर जो है ना बुशिंग आप दिख रहे हैं, ठीक है, इस तरह से ये बुशिंग्स है, तो ये बुशिंग्स जो है यहाँ पे एक कंडक्टर इस तरह से आएगा, यानी कि ये जो है ना करंट इस तरह से आएगा नॉर्मल कंडीशन में, यहाँ से होता हुआ इस तरह से ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, ये इनकमिंग होगा करंट का और ये आउटगोइंग होगा करंट का, ये आउटगोइंग होगा करंट का, इनकमिंग होगा, ये आउटगोइंग होगा, तो ये दोनों टर्मिनल बुशिंग्स है, ये टॉप प्लेट है, ऑयल का लेवल जो है इतना रखा जाता है, और ये जो है ना ये स्पेस, इसे बोलते हैं हम एयर क्यूशन, क्या बोलते हैं एयर क्यूशन, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कि ये जो है ना, देखिए ये मूविंग कॉन्टैक्ट हो गया अपना, मूविंग कॉन्टैक्ट, और ये जो है ना फिक्स कॉन्टैक्ट हो गया, तो ये जो नॉर्मल कंडीशन में, देखिए ये जो ये अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, ये देखिए ये पूरा आर्क है, ठीक है, अभी ये आर्क, क्योंकि ये दोनों कॉन्टैक्ट सेपरेट हो चुके हैं, तो कॉन्टैक्ट इस तरह से होते हैं नॉर्मल कंडीशन में, ये कॉन्टैक्ट है, अगर मैं किसी देखिए इस तरह से ये कॉन्टैक्ट है, इस तरह से ये है, इस तरह से कॉन्टैक्ट है, ठीक है ना, ये आर्क अभी एस्टेब्लिश हो चुके हैं इसलिए यहाँ पे ऐसा दिखा है। देखिए नॉर्मल कंडीशन में इस तरह से करंट फ्लो होता रहेगा, लेकिन जब भी कोई फॉल्ट करंट आता है तो फॉल्ट करंट जो है ना इस तरह से कुछ आएगा, ठीक है, फॉल्ट करंट इस तरह से कुछ आएगा, फॉल्टी करंट जो बहुत ही हाई एम्पेयर का होता है, तो हाई फॉल्टी करंट जो है इस तरह से, मतलब ये फिक्स कॉन्टैक्ट, ये मूविंग कॉन्टैक्ट, तो मूविंग ये फिक्स तो फिक्स ही रहेगा ना, लेकिन मूविंग कॉन्टैक्ट जो है ना ये सेपरेट होता है, देखिए इस तरह से, तो अगर ये इस तरह से होगा तो यहाँ पे जो है इस तरह से वो सेपरेट होगा, तो जैसे ही सेपरेट होगा ये आर्क जो है फॉर्म होगी इसके बीच में, तो ये आर्क की वजह से क्या होगा, ऑयल के अंदर जो है ये आर्क क्या करेगी, हीट प्रोड्यूस करेगी, मतलब आर्क जो है वो बहुत ही उसके अंदर बहुत ही हीट जो है वो प्रोड्यूस होगी, तो हीट की वजह से इसके जो सराउंडिंग में ऑयल है वो एक्सपांड होना स्टार्ट हो जाएगा, डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा, इसकी वजह से हाइड्रोजन गैस आपकी फॉर्म होगी, और वो हाइड्रोजन गैस इस तरह से आर्क को क्या कर लेगी, घेर लेगी, और ये आर्क जो है वो हाइड्रोजन गैस की
कूलिंग प्रॉपर्टी की वजह से जो है वे कूल डाउन हो जाती है, और उसके बाद जैसे ही आप सेपरेट और ज्यादा करते हैं दोनों कॉन्टेक्ट को, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, आर्क की लेंथ बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इसकी वजह से आर्क जो आपकी वैनिश हो जाएगी। लेकिन ये हाइड्रोजन गैस जो है ना, वो देखिए कोई भी गैस होगा वो गैस जो है वो ऊपर जाने की ट्राई करेगा, क्योंकि लाइट इन वेट होता है, ठीक है, गैस जो है ना वो लाइट इन वेट होता है, तो वो टेम्परेचर वो जो एयर जो है ना वो मतलब ऊपर की तरफ, ऊपर की सतह की तरफ जो है ना वो ट्रैवल करने की ट्राई करेगा। तो हाइड्रोजन गैस जो है ना इस तरह से जो है वो जाने की ट्राई करेगा, या फिर इथेन हो या मिथिलिन जो भी हो गया, ठीक है, मिथेन। तो जो भी गैस होगी वो यहाँ पे पर्टिकुलर इस एयर क्यूशन में क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी, और वो ज़्यादा, क्योंकि अगर ये यहाँ तक ऑयल अगर मैं भर दूँ तो यहाँ पे जो है प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा गैस का, क्योंकि गैस, क्योंकि हमें फॉल्ट करंट का तो पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो आर्क जो फॉर्म हो रही है और हीट जो फॉर्म हो रही है वो डिपेंड होगी आर्क के ये फॉल्ट करंट के मैग्नीट्यूड की वजह से, ठीक है ना, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो एयर क्यूशन इसी तरह इसी वजह से रखा जाता है यहाँ पे कि प्रेशर जो है वो गैस का प्रेशर वो मेंटेन कर सके और गैसेस जो है वो यहाँ पे आ सके, तो यहाँ से वो निकल भी जाती है, ठीक है। तो ये रहा अपना सिंगल ब्रेक, ठीक है, सिंगल ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो ये थियोरी पर्टिकुलर है वो डबल ब्रेक के लिए है। सो द कॉन्टेक्ट्स आर सेपरेटेड अंडर अ होल ऑयल इन द टैंक एंड द आर्क इज एक्सटिंग्विश्ड ओनली बाय इंक्रीजिंग द गैप बिटवीन द कॉन्टेक्ट्स। लेट्स सी इस तरह से काम करता है। देखिए जो अभी सिंगल था ना, ये डबल ब्रेक है, देखिए वो यहां पे एक सिंगल लीवर था, यहां पे देखिए दो जो है ना ब्रेक है। किस तरह से देखिए, अगर इसके ये कुछ इस तरह से मैं दिखाऊं तो देखिए ये कुछ इस तरह से टैंक बनी होती है, ये रफ डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं समझने के लिए। तो ये मान लीजिए ये बुशिंग का कॉन्टेक्ट है, ये दूसरा बुशिंग का कॉन्टेक्ट है, यहां से ये कंडक्टर मतलब कंडक्टर आएगा और ये कंडक्टर बाहर, यानी कि इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट। यहाँ पे जो है ना इस तरह से ये कांटेक्ट लगे रहते हैं, देखिए इस तरह से, और ये जो है ना ये मूविंग कांटेक्ट है, ये क्या है, मूविंग कांटेक्ट है, और इस तरह से ये लीवर से लगे होते हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो ये अपसाइड डाउन ये मूव हो सकता है, तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में जो है ना ये यहाँ पे टच रहता है और यहाँ पे ये टच रहता है, तो नॉर्मल करंट ये इस तरह से पास हो जाएगा। लेकिन जब भी कोई प्रॉब्लम होगा तो ये जो है ना ये यहाँ से सेपरेट होगा और यहां से सेपरेट होगा, तो एक ब्रेक तो है ही, ये दूसरी ब्रेक भी कहलाएगी, इसलिए इसका नाम हो गया डबल ब्रेक सर्किट ब्रेकर, यानी कि दो ब्रेक है। यानी कि अगर मैं एक सेंटीमीटर इसे हिलाऊं, एक सेंटीमीटर अगर इसको मैं इस तरह से नीचे मूवमेंट दिलाऊं तो एक सेंटीमीटर इसका हो गया और एक सेंटीमीटर इसका हो गया, यानी कि दो सेंटीमीटर जो है ऑल एंड ऑल हो गया, तो आर्क की लेंथ जो इसी वजह से ज्यादा बढ़ जाएगी, तो आर्क को वैनिश करने के लिए हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये टर्मिनल बुशिंग है, यहाँ पे जो है वो ड्राइव क्रैंक है, ये एयर क्यूशन दिया गया है, ये पूरा एयर क्यूशन है, मैंने आपको समझाया एयर क्यूशन। उसके बाद जो है ये फिक्स कॉन्टैक्ट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पूरा है ना ये सेपरेट हो चुका है कॉन्टैक्ट, और उसके बाद ये जो मैंने ग्रीन लाइन में दिखाया है ये दोनों गैस बबल्स है, ये आर्क है, ये आर्क है, आर्क के सराउंडिंग जो है ना ये गैस बबल जो है फॉर्म हो चुके हैं, वो हाइड्रोजन के भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ज़्यादातर हाइड्रोजन ही होंगे। उसके बाद सेम ही प्रोसीजर रहेगी, कुछ नया नहीं है इसमें, ठीक है। सो द आर्क इज एक्सटिंग्विश्ड ओनली बाय इंक्रीजिंग द गैप, दिस गैप, ये जो है ना ये गैप देखिए यहाँ पे आपको समझ आएगा, ये फिक्स कॉन्टैक्ट है, मूविंग, ये जो गैप है ना, मान लीजिए कि अगर कोई फॉल्ट हुआ, नॉर्मल कंडीशन में ये यहाँ पे अटैच रहते हैं, लेकिन जब भी कोई फॉल्ट हुआ तो आर्क इस तरह से जो है वो डेवलप होगी, इसके बीच में दूसरे आर्क यहाँ पे जो है वो डेवलप होगी। तो क्या होगा कि अगर मैं इसको एक सेंटीमीटर घुमाऊँ तो मूवमेंट दिलाऊँ तो यहाँ पे भी एक सेंटीमीटर, यानी कि दो सेंटीमीटर कुल हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। तो करंट जो है इनकमिंग करंट आपका इस तरह से आएगा, करंट आए और इस तरह से नॉर्मल कंडीशन में लीव होता रहेगा, लेकिन अभी इंटरप होगा ना, फॉल्टी करंट जो है इंटरप होगा, तो आर्क इसके बीच में आएगी और आर्क की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होगी वो हीट की वजह से ये ऑयल का एक्सपांशन होगा और हाइड्रोजन गैसेस जो है वेरियस टाइप्स ऑफ गैस जो है वो लिबरेट होगी और हाइड्रोजन गैस इसी सतह पे सराउंडिंग में जो है वो आपका क्या कर लेगा, आर्क को सराउंड कर लेगा और इसको जो है कूल डाउन, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है कूल डाउन की, तो कूल जो है वो करता रहेगा। और जब जब ये आप इंक्रीज करोगे लेंथ इस तरह से ये मूविंग कॉन्टेक्ट की, तो ये आर्क की लेंथ बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस बढ़ेगा और आर्क को पाथ नहीं मिलेगा और आर्क जो है वो वैनिश हो जाएगी, इज इट राइट। और जो भी गैस जो फॉर्म हो गया ना इसके, तो इस तरह से वो बबल बन के यहाँ पे वो पास हो जाएंगे और यहाँ पे इस सतह पे जमा होंगे, ठीक है, ओके। सो दिस सर्किट ब्रेकर इन्वॉल्व्स सिंपल प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉन्टेक्ट्स अंडर ऑयल टैंक एंड देयर इज नो स्पेशल सिस्टम फॉर आर्क कंट्रोल अदर देन लेंथनिंग ऑफ आर्क। तो आप ये सिंपल क्या कर रहे हो, लेंथ, आर्क की लेंथ को बढ़ा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है ना।
देखिए मैंने जो अभी आपको समझा वो इस तरह से कुछ समझा था कि देर आर टू ब्रेक्स फर्स्ट एंड सेकंड, ये दो ब्रेक है. सो व्हेन फॉल्ट अकर्स द आर्क स्ट्रक बिटवीन देम. सो इफ आई एम मूविंग द सर्किट ब्रेकर देन द डबल ब्रेक विल बी देर. दो ब्रेक है ना यहाँ पे, ठीक है. तो टोटल यहाँ पे एक सेंटीमीटर, यहाँ पे एक सेंटीमीटर, तो दो सेंटीमीटर का गैप हो गया ना. देर फॉर द मूवमेंट ऑफ मूविंग कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड विल बी लेस फॉर द गिवन रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द गैप and that is required between the contacts. I repeat, because of this construction double break, the moment of moving contact required will be less for the given required value of the gap that is required between the contacts. So it is divided here, do part mein divide ho chuka hai. So voltages are divided among these two contacts. So when the arc is struck, hydrogen gas will be formed and it will form some bubbles, and the, because of the cooling property of hydrogen gas, deionization process will be speed up. Okay, so we know that the arc or heat produced that depends on the current's magnitude, fault current magnitude. So at a natural current zero, when the arc is vanished, then the bubble of hydrogen will come out from the contacts of the circuit breaker and the bubble will go up to the top of the tank. ठीक है, तो air cushion वहाँ पे provided ही है उसके लिए. तो वही जो theory है वो मैंने यहाँ पे लिखी है, आप जो है वो theory देख सकते हैं one by one, step by step. सो अगर मैं इफ आई मूविंग फर्दर, देखिए ये हो गया अपना बल्क कॉइल सर्किट ब्रेकर. इसके डिसएडवांटेज क्या है, देर इज नो स्पेशल कंट्रोल ओवर द आर्क अदर देन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द कॉन्टैक्ट. यही हम कर सकते हैं सिर्फ इसमें कि लेंथ आर्क की बढ़ा सकते हैं. मोर आर्क लेंथ इज रिक्वायर्ड. देखिए अगर करंट जो है वो नॉर्मल या फिर मीडियम स्मॉल है या फिर मीडियम फॉल्टी करंट है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर हाई फॉल्ट करंट हुआ तो हमें ज़्यादा कॉन्टैक्ट मतलब स्पेस जो है ना वो ज़्यादा चाहिए, ठीक है. लेकिन वो अगर मैं स्पेस इंक्रीज करूँगा तो फिर वहाँ पे सर्किट ब्रेकर की साइज भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है. सो डिसएडवांटेज क्या है, और दे हैव लॉन्ग एंड इनकन्सिस्टेंट आर्किंग टाइम अबाउट 100 to 150 मिली सेकेंड. So that is cannot used for reclosure application, ठीक है ना. Use for low voltage application up to 11 kV and up to 240 to 250 MVA only. This is the disadvantage of bulk coil circuit breaker. So that was all about the plain break coil circuit breaker. See, अगर मैं कुछ factors की बात करूँ यहाँ पे कि some factors that affecting the performance of plain break coil circuit breaker, तो जो फैक्टर होंगे वो क्या होगा, द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस ऑफ प्लेन ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर्स आर, फर्स्ट वन इज द क्रिटिकल लेंथ. क्रिटिकल लेंथ ऑफ द ब्रेक, ये जो है ना वो क्रिटिकल हो जाएगी ना लेंथ, क्योंकि जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स की जो ब्रेक होगी उसकी लेंथ अगर आप जो है वो हाई रखते हैं तो साइज भी बढ़ जाएगी, ठीक है. तो वो ये एक फैक्टर होगा. दूसरा जो है वो हेड ऑफ ऑयल अबोव द कॉन्टैक्ट्स, हेड ऑफ ऑयल अबोव द कॉन्टैक्ट्स. उसके बाद की मैं बात करूँ, सो द क्लियरेंस बिटवीन द लाइव कॉन्टैक्ट्स एंड द अर्थ प्रेशराइज्ड टैंक, ठीक है, वो एक फैक्टर जो है वो कंसिडर करने लायक है. उसके बाद जो है वो द स्पीड ऑफ द कॉन्टैक्ट मूवमेंट. देखिए, इन ऑर्डर टू एक्सटिंग्विश द आर्क अर्लियर द स्पीड शुड बी हाई, देयरफॉर डबल ब्रेक सर्किट ब्रेकर्स आर प्रिफर्ड ओवर द सिंगल ब्रेक. Okay, so what are the advantages of the plain arc? The arc energy is easily absorbed by the oil due to its decomposition. Second one, the gases formed due to oil decomposition has good cooling properties. Third one, the cooling surface is formed by surrounding oil is close to the arc. And another one, the oil used act as an insulator. Okay, disadvantage jo humne discuss kar liye hai. उसके बाद अगर मैं देखूँ, देखिए ये जो है ना प्लेन ब्रेक ऑल सर्किट ब्रेकर, ये सच टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर्स आर सुटेबल अप टू 150 एमवीए, और मैंने बोला अभी कैपेसिटी का, एंड हैंस इंस्टॉल्ड इन लो कैपेसिटी एप्लीकेशंस हैविंग वोल्टेज इज नॉट मोर देन 11 केवी. ओके, उसके बाद अगर मैं देखूँ तो दूसरा टाइप जो है वो है आर्क कंट्रोल ऑयल सर्किट ब्रेकर. आर्क कंट्रोल यानी कि इसको मैं बोल सकता हूँ सेल्फ जनरेटेड प्रेशर ऑयल सर्किट ब्रेकर. इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, सेल्फ जनरेटेड प्रेशर ऑयल सर्किट ब्रेकर. देखिए इसके अंदर क्या होगा, इन दिस सर्किट ब्रेकर वेर एवर द फिक्स्ड एंड मूविंग कॉन्टैक्ट्स आर देयर, दैट मूविंग कॉन्टैक्ट्स कैप्ट इन अ चैम्बर इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली लिविंग इट. जो कि हम क्या करते थे, जो भी प्लेन ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर के अंदर था वो इस तरह से, वो हम जो है वो पर्टिकुलर कोई चैम्बर में नहीं थे, पूरे के पूरे जो वो टैंक में ही थे, वो ओपनली थे, ठीक है, इस तरह से इमर्ज कर देंगे. लेकिन इसको स्पेशल चैम्बर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है इस आर कंट्रोल ऑयल सर्किट ब्रेकर के अंदर. सो इट इज़ यूज टू डिक्रीज द कॉन्टैक्ट सेपरेशन
फॉर आर्क एक्सटेंशन एंड हैंस डिक्रीज द टाइम फॉर आर्क एक्सटेंशन एंड ऑल्सो डिक्रीज इन साइज ऑफ द टैंक ऑल्सो. अगर मैं चैम्बर इस तरह से प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है, तो जितना ऑयल हमें चाहिएगा उतना ही हम जो है वो पर्टिकुलरली जो है वो कंपेयर टू प्लेन ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसकी साइज भी जो है वो थोड़ी सी घट जाएगी और आर्क एक्सटेंशन प्रोसेस जो है ना वो स्पीडली होगी. ठीक है, जितना आर्क एक्सटेंशन प्रोसेस स्पीडी होगी उतना ही फायदा होगा. ओके, सो द गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द आर्किंग आर कन्फाइंड टू अ स्मॉल वॉल्यूम यूजिंग इंसुलेटेड प्रेशर पोर्ट सराउंडिंग द कॉन्टेक्ट. एक पर्टिकुलरली इसके इस चैम्बर के अंदर जो है ना वो हम यूज़ करते हैं इंसुलेटेड प्रेशर पोर्ट. आपको दिखाऊंगा मैं किस तरह से यूज़ करते हैं इंसुलेटेड प्रेशर पोर्ट. हम जो है वो यूज़ करते हैं वो कॉन्टेक्ट के सराउंडिंग में होते हैं, तो वो क्या करेगा, वो गैस के प्रेशर को हैंडल करेगा और सराउंडिंग में रखेगा, यानी कि गैस का प्रेशर जो है ना वो बाहर जाने की ट्राई करेगा. गैस जो है वो ऑब्वियसली बाहर जाने की ट्राई करेगी, तो वहाँ पे आर्क स्प्लिटर लगा दोगे तो आर्क जो है ना वो गैस प्रेशर की वजह से एलोंगेट हो जाएगी और स्प्लिटर्स के थ्रू एक्सट्रिंग्यूज हो जाएगी. ठीक है, किस तरह से मैं आपको समझाता हूँ. High pressure developed by gases produced due to the arc that force the oil and gas through the arc to help in extinguishing the arc. ठीक है, देखिए first point जो है वो है ये plain explosion pot. क्या है plain explosion pot? देखिए इसमें जो है वो क्या होगा, मैं आपको जो है वो पूरी तरह से मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो क्या यूज होता है. सी सो यहाँ पे जो है ना प्लेन एक्सप्लोजन पॉट मैंने सब दिखाया, यहाँ पे कुछ इस तरह से वो चैम्बर जो है वो बनी रहती है. यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फिक्स कॉन्टैक्ट है, दूसरा जो है ये मूविंग कॉन्टैक्ट है. फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट इसके बीच में जो है ना ये पर्टिकुलर ये पूरा एरिया सरफेस का ये कहलाता है पॉट. कहलाता है क्या? कहलाता है पॉट. सो फिक्स कॉन्टैक्ट और ये जो होता है ना ये मूविंग कॉन्टैक्ट है. नॉर्मल कंडीशन में ये मूविंग कॉन्टैक्ट यहाँ पे फिक्स्ड जो है वो रहता है, यहाँ पे ये रहता है. ठीक है, ये इंसुलेटिंग मटेरियल जो है उसका बना रहता है. उसके बाद ये मोशन जो है ना वो इस तरह से कुछ रहता है, मूविंग कॉन्टैक्ट इस तरह से मोशन रहता है. सो इट कंसिस्ट ऑफ अ रिजिड सिलेंडर दैट इज कंसिस्ट ऑफ फिक्स कॉन्टैक्ट एंड मूविंग कॉन्टैक्ट. ये जो है ना रिजिड सिलेंडर ही होता है. इट इज मेड अप ऑफ अ इंसुलेटिंग मटेरियल. ओके, दैट कैन नॉट दी यू नो ये जो है ना पर्टिकुलरली कौन से इंसुलेटिंग मटेरियल का, कि यहाँ पे जो है ना इंसुलेटिंग मटेरियल इस तरह से प्रोवाइड किया जाता है तो इसकी इफेक्ट यानी कि जो इसके अंदर जो गैस है या फिर करंट है इसकी इफेक्ट जो है इसके ये मटेरियल पे नहीं होती है. सो व्हेन एवर द फॉल्ट अकर्स आर्क स्ट्रक बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स हीट प्रोड्यूस्ड एंड बिकॉज ऑफ दैट हीट ऑयल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑयल विल बी स्टार्टेड एंड दैट डिकम्पोजिशन ऑफ ऑयल फ्रॉम दैट द गैस लिबरेटेड एट अ वेरी हाई प्रेशर इन द पॉट. अगर ये इस तरह से कुछ हुआ तो ये जो गैस का प्रेशर होगा ना वो क्या होगा, दिस प्रेशर फोर्सेस द ऑयल एंड गैस थ्रू एंड राउंड द आर्क टू एक्सटिंग्विश इट. किस तरह से, देखिए नॉर्मल कंडीशन में दोनों जुड़े होते हैं, एबनॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, आर्क प्रोड्यूस होगा, आर्क की वजह से गैस फॉर्म होगा. गैस जो है ना वो गैस ये पर्टिकुलर चैम्बर की वजह से एस्केप नहीं कर पाएगी कहीं से भी, तो गैस कांट एस्केप फ्रॉम दिस चैम्बर बिकॉज गैस इज इन लाइट वेट. तो वो ऊपर जाने की ट्राई करी, मान लीजिए कि ये कॉन्टैक्ट यहाँ पे है और ये कॉन्टैक्ट यहाँ पे इस तरह से मूव होगा, आर्क जो है इस तरह से सेपरेट होगी, मतलब इस तरह से वो आर्क आएगी, तो आर्क की वजह से क्या होगा कि वहाँ पे ये जो है ना गैस फॉर्म होगी. ओके, तो वो क्या हो जाएगा, इस तरह से ऊपर जाने की ट्राई करेगी, प्रेशराइज्ड होगी. सो एंटायर गैस एक्यूमुलेटेड इन दिस पर्टिकुलर चैम्बर, जो भी गैस प्रोड्यूस होगी वो पर्टिकुलर इस चैम्बर के अंदर ही रहेगी एंड हाई प्रेशर इज क्रिएटेड. सो ऑल्सो इट हैज़ वेरी गुड कूलिंग प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ जो भी गैस प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है, हाइड्रोजन हो रही है. सो द अमाउंट ऑफ गैस इज क्रिएटेड डिपेंड्स ऑन द फॉल्ट करंट दैट वी नो. सो लेट अस, तो वो क्या करेगी, ये आर्क को कूल डाउन करेगी. तो जैसे जैसे ये आर्क ये जो है ना मूविंग कॉन्टैक्ट इस तरह से पास होता रहेगा, सेपरेट होता रहेगा, आर्क आपकी क्या हो जाएगी, एलोंगेट हो जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और आर्क आपकी एक्सटिंग्विश हो जाएगी. उसके बाद लेट अस अज्यूम आर्क इज नॉट एक्सटिंग्विश. सो लेट अस अज्यूम हियर दैट आर्क इज नॉट एक्सटिंग्विश. जब ये कॉन्टैक्ट ये मूविंग कॉन्टैक्ट यहाँ पे इस तरह से सेपरेट हो गया लेकिन तभी भी आर्क जो है वो अभी तक वैनिश नहीं हुई है, तो क्या होगा, इफ आर्क इज नॉट एक्सटिंग्विश व्हेन द कॉन्टैक्ट्स आर इनसाइड दिस पर्टिकुलर इन दिस पर्टिकुलर चैम्बर. ओके, सो पर्टिकुलरली यहाँ पे क्या होगा, ये जो मूविंग कॉन्टैक्ट है वो यहाँ से इस तरह से बाहर आ जाएगा. देखिए ये मूविंग कॉन्टैक्ट इस तरह से बाहर आ चुका है. ठीक है, सो यहाँ पे जो भी गैस प्रोड्यूस हो रही थी वो गैस इस तरह से एस्केप हो जाएगी, इस तरह से जो है वो एस्केप हो जाएगी.
ओके, जैसे ही गैस यहाँ पे एस्केप होगी तो ये पूरा चैम्बर जो है ना वो ऑयल से भरा होगा। सो ऑयल जो है ना वो इस तरह से अंदर जाएगा, गैस बाहर आ रही है लेकिन जो ऑयल है ना वो ऑक्यूपाई कर लेगा ये पूरी स्पेस, ठीक है, एंटायर स्पेस। सो आर्क प्रोडक्ट विल गो आउट एंड द फ्रेश ऑयल इज गो टू द चैम्बर, ओके, सो गो इन टू द चैम्बर। सो पर्टिकुलरली अगर ये मूविंग कॉन्टैक्ट जो है ना यहाँ से इस तरह सा बाहर आ जाएगा ये पर्टिकुलर थ्रॉट से, तो तभी गैस आपकी लिब्रेट यहाँ पे गैस जो है ना वो इस तरह से बाहर मोशन में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं देखूँ यहाँ पे द एक्सटेंशन ऑफ आर्क विल डेफिनेटली टेक्स प्लेस व्हेन द मूविंग कॉन्टैक्ट्स कम आउट ऑफ द थ्रॉट व्हिच अलाउज अ वैलेंट रश ऑफ गैस एंड ऑयल थ्रू अ पॉट्स थ्रॉट। देखिए यहाँ पे मैंने जो बताया वही हुआ कि जो गैस है वो यहाँ से बाहर जाएगी और ऑयल जो है वो इस तरह से पॉट के अंदर जाएगा। लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि जब भी कोई हाई करंट होगा तो गैसेस ज़्यादा होगी, प्रेशर भी ज़्यादा होगा, तो ये पर्टिकुलर चैम्बर जो है ना बर्स्ट होने की संभावना वहाँ पे मौजूद रहती है। लेकिन जब भी कोई लो करंट होता है तो गैस भी क्या होगी, कम होगी, प्रेशर भी कम होगा। सो मोर लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट गैप इज़ रिक्वायर्ड। तो अगर हाई करंट होगा तो ठीक है, गैस जो है वो ज़्यादा होगी, प्रेशर भी ज़्यादा बनेगा, तो बर्स्ट होने की संभावना है। लेकिन अगर करंट ही लो है तो गैसेस भी लिब्रेट होंगे, वो भी कम मात्रा में होंगे तो प्रेशर भी कम होगा। तो जितना प्रेशर कम उतना गैप इंक्रीज करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको, ये दोनों कॉन्टैक्ट को सेपरेट यहाँ पे गैप लेंथ बढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जब भी करंट का मैग्नीट्यूड कम होगा, ठीक है। सो इस तरह से मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, और वी कैन से इट कंसिस्ट ऑफ, सी आई रिपीटिंग वंस अगेन, इट कंसिस्ट ऑफ अ रिजिड सिलेंडर मेड अप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। द सिलेंडर कंटेन्स फिक्स एंड मूविंग कॉन्टैक्ट्स एंड द मूविंग कॉन्टैक्ट्स इज अ सिलिंड्रिकल रोड विच कैन पास थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड दिस इज थ्रॉट। सो द मोशन ऑफ मूविंग कॉन्टैक्ट इज वर्टिकल, ओके, यू कैन सी हियर द मोशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इज व्हाट, वर्टिकल। सो whenever fault occurs in the system, the contacts will start separating with the formation of arc in between them. The heat contained in the arc causes the decomposition of the oil into a gas at very high pressure in the pot, and this high pressure forces the oil and gas around the arc to extinguish it. Fine. So it can be seen that if the final arc interruption does not take place while the moving contact is inside the pressure chamber, then it occurs immediately after the moving contact leaves the pot. यहाँ पे अगर नहीं होगी तो ये contact यहाँ पर ये throat से बाहर निकलेगा, तब आपका arc जो है वो vanish हो जाएगा, ठीक है, okay. So the major drawback of this type of circuit breaker is that it cannot be used for very high or very low fault current. At low fault current values, the pressure developed is very small, thus arcing time is increased. So on the other hand, at a very high fault current, due to very high pressure developed, there is possibility of bursting the explosion pot, this particular pot or chamber. Therefore, it is suitable for moderate short circuit currents only. Okay, this is all about the plain explosion pot. मूविंग फर्दर विथ क्रॉस जेट एक्सप्लोजन पॉट। सी यहाँ पे क्या होगा, सेम ही प्रोसीजर रहेगी, ठीक है, कि आर्क जो है वहाँ पे आया, ऑयल को डिकम्पोज किया, उसके बाद जो है वो गैसेस फॉर्म हुई हाइड्रोजन, वो गैसेस जो है बाहर निकली, आर्क स्प्लिटर जो है वो यहाँ पे लगा है, तो आर्क जो है वो लेंथ हो जाएगी, उसकी लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी, तो यही प्रोसेस जो है वो चलती रहेगी। लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन क्या है, यहाँ पे फोर स्टेज ऑपरेशन है, क्या है, 1, 2, 3, 4, फोर स्टेजेस ऑपरेशन है। इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर मेडअप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, ओके, ये इंसुलेटिंग मटेरियल का बना होगा। देर आर चैनल्स ऑन वन साइड विच एक्ट एज आर्क स्प्लिटर। ये जो चैनल आपको दिख रही है ना, ये चैनल्स है, ये देखिए, ये आर्क स्प्लिटर है, ये दोनों जो है ना वो आर्क स्प्लिटर है। आपको पता होना चाहिए कि आर्क स्प्लिटर जो है ना वो आर्क की लेंथ को बढ़ा देगा, ठीक है ना। सो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो आर्क वैनिश होने की संभावना ज्यादा है, बढ़ जाएगी, ठीक है उसमें। सो देर आर चैनल्स ऑन वन साइड विच एक्ट एज आर्क स्प्लिटर एंड द यूज ऑफ आर्क स्प्लिटर इज टू इंक्रीज द आर्क लेंथ विच विल असिस्ट आर्क एक्सटेंशन बाय लेंथनिंग द आर्क। आर्क की लेंथ को क्या कर जाएगा, बढ़ा देगा। सो आर्क की लेंथ को अगर बढ़ा देगा तो आर्क जो है वो जल्दी से वैनिश कर जाएगी। सो फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो मूविंग कॉन्टैक्ट है सेपरेट, यहाँ पे फॉल्ट आया और ये दोनों, ये जो है ना फिक्स कॉन्टैक्ट है, ये जो है ना मूविंग कॉन्टैक्ट है, तो दोनों सेपरेट हो गए, तो ये पिंक कलर से जो मैंने दिखाया वो आर्क है। सो जब भी ये कॉन्टैक्ट सेपरेट होंगे, आर्क जो है वो यहाँ पे स्ट्रक होगी। आर्क इज फॉर्म्ड वाइल इन स्टेज फोर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइनल आर्क एक्सटिंगुइशन इज शोन, ओके, पूरा का पूरा मूविंग कॉन्टैक्ट ये देखिए यहाँ पे होगा और चौथे स्टेज में यहाँ से पूरा का पूरा ये बाहर आ चुका है। So when a fault occurs, the moving contacts begin to separate and arc is struck initially at the top of pot, यहाँ पे
The gas formed exerts pressure on the oil. When the moving contacts move away from the arc splitter, ducts and fresh oil is forced across the path of arc. The arc is then passed through the arc splitters, due to which its length increases and which causes the arc extension. ठीक है, इस तरह से इसका वर्किंग हुआ. फिर से मैं आपको समझाता हूँ. कॉन्टैक्ट जब सेपरेट होंगे तो आर्क स्ट्रक होगी और गैस प्रोड्यूस होगी. दूसरे में क्या होगा कि गैस जो है वो यहाँ से इस तरह से कुछ बाहर आने की ट्राई करेंगे. देखिए इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे गैसेस जो फॉर्म हुए वो इस तरह से कुछ बाहर आने की ट्राई करेंगे. प्रेशराइज्ड गैस हो गए, तो वो जो प्रेशराइज्ड गैस यहाँ से आने की जो है बाहर आने की ट्राई करेंगे, ठीक है, तो ये आर्क जो है ना उसको पुश करेंगे. ये प्रेशराइज्ड गैस जो है ना वो आर्क को पुश करेंगे. जैसे ही पुश करेंगे आर्क जो है वो इस तरह से, ये इस तरह से उसकी लेंथ बढ़ जाएगी. जैसे ही बढ़ जाएगी गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगी तो आर्क कूल डाउन हो जाएगी. हाइड्रोजन तो है ही, वहाँ पे कूल हो जाएगी, आर्क की लेंथ बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, तो आर्क आपका वैनिश यहाँ से हो जाएगा. ओके, ठीक है. तो देखिए यहाँ पे भी आर्क जो है वो इस तरह से, गैसेस जो है वो इस तरह से आया और गैस जो है वो इस तरह से यहाँ से बाहर निकल गया और आर्क कम्प्लीट यहाँ से वैनिश हो गई. ये अपना मूविंग कॉन्टैक्ट इस तरह से, तो पहले यहाँ पे था, यहाँ से पूरा जो है वो इस तरह से कुछ नीचे हुआ, फिर से कुछ नीचे और पूरा का पूरा ये पोर्ट में से बाहर निकल गया मूविंग कॉन्टैक्ट. तो इस तरह से जो है ना क्रॉस जेट एक्सप्लोजन पोर्ट जो है ना वर्क करता है. ठीक है, सी दिस टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर गिव सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस एट हैवी फॉल्ट करंट्स. आई रिपीट, हैवी फॉल्ट करंट्स. हाउएवर फॉर स्मॉल फॉल्ट करंट्स प्रेशर डेवलप्ड बाय गैस विच इज फंक्शन ऑफ फॉल्ट करंट इज लेस एंड द परफॉर्मेंस इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री. ओके, सो फॉर दैट देखिए, जो पहला में हमने देखा था वो प्लेन एक्सप्लोजन पॉट, तो वो लो वैल्यू ऑफ फॉल्ट करंट के लिए था. लेकिन इसके अंदर क्या है, ये जो है ना हाई फॉल्ट करंट के लिए. लेकिन इसके बीच में क्या, मीडियम फॉल्ट करंट अगर हुआ तो क्या होगा. देखिए, तो इसके लिए हम दूसरा पॉइंट लेते हैं, वो है सेल्फ एक्सप्लोजन और यू कैन से सेल्फ कंपनसेटेड एक्सप्लोजन पोर्ट. ये जो है ना वो दोनों के दोनों, जो प्लेन एक्सप्लोजन पोर्ट था और ये जो दूसरा था ना क्रॉस जेट, उसका दोनों का कॉम्बिनेशन बना के, ये कॉम्बिनेशन करके ये बनाया है सेल्फ कंपनसेटेड एक्सप्लोजन पोर्ट. This type is essentially a combination of plane explosion port and cross jet explosion type. Hence, it can interrupt low as well as heavy short circuit current effectively. I repeat, it can interrupt low as well as heavy fault current or short circuit current effectively. It consists of two chambers. The upper chamber is considered as cross jet explosion, cross jet. And which port with see, ये जो है ना वो arc splitters भी इसके अंदर होते हैं. So it consists of two chambers. The upper chamber is the cross jet explosion port with arc splitter ducts, while the lower chamber is the plane explosion port. This is the plane explosion port. So when the fault current is heavy, the rate of generation of gas is very high, and it will act as similar to cross jet explosion port. When the moving contacts moves away from the arc splitter duct, the arc extension takes place. Okay. Or when the fault current is low, the rate of gas generation is very low, that we know, and the tip of moving contacts takes place sometimes to reach lower chamber. By this time the gas builds up sufficient pressure as there is no much leakage. When the moving contacts comes out of the throat, the arc is extinguished by the plane port action. So we can say that with increase in fault current level, the operation will tend more and more similar to cross jet explosion port. Thus interruption of fault current is possible in the wide range. ठीक है, यहाँ पे देखिए कि ये जो है ना पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर लेटरल ऑरिफाइसिस और ये आर्क स्प्लिटर ही कहलाएंगे. ये पर्टिकुलर जो है ना, ये क्रॉस जेट पोर्ट है और ये प्लेन जेट. तो यहाँ पे क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन मैंने बताया, जब भी फॉल्ट करंट हाई होगा, देखिए यहाँ पे फॉल्ट करंट हाई होगा, ये मूविंग कॉन्टैक्ट जो है ना वो इस तरह से, देखिए यहाँ पे लगा होगा पहले, तो जैसे ही मूविंग कॉन्टैक्ट यहाँ से, मतलब बहुत ही हाई प्रेशराइज्ड गैस है क्योंकि फॉल्ट करंट मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो क्या होगा कि जैसे ही ये मूविंग कॉन्टैक्ट इस तरह से कुछ यहाँ पे सेपरेट होगा, तो आर्क यहाँ पे स्ट्रक होगी और बहुत ही हाई प्रेशर के कारण गैस जो है ना इस तरह से लिबरेट हो जाएगी और यहाँ से आर्क स्प्लिटर के थ्रू लेंथ भी बढ़ जाएगी, तो तुरंत ही जो है वो क्या कर जाए, आर्क को एक्सटिंग्विश कर देगा. लेकिन अगर फॉल्ट क्योंकि सफिशिएंट प्रेशर क्रिएट हो रहा है ना गैस का, इसलिए ठीक है टर्बुलेंस जो है ना वो सफिशिएंट है. लेकिन अब लो फॉल्ट करंट के लिए क्या होगा, ये जो मूविंग कॉन्टैक्ट है वो धीरे 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 नीचे करके आएगा और यहां तक अगर पहुंचेगा, फिर भी अगर जो है आपकी आर्क वैनिश नहीं होगी, तो उसके बाद क्या होगा, आर्क जो है ना वो सफिशिएंट प्रेशर क्रिएट कर लेगी गैस को फॉर्म करके. ज़्यादा से ज़्यादा गैस फॉर्म होंगे, ज्यादा अगर आर्क जो है वो जितनी देर तक रहेगी गैस जो है वो ज़्यादा फॉर्म होंगे. उसके बाद ये जो है ना प्लेन एक्सप्लोजन, यहाँ पे प्लेन जेट एक्सप्लोजन पोर्ट पे ये आपका कॉन्टैक्ट आ जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, पूरा का पूरा ये बाहर निकल जाएगा और गैसेस जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी. ठीक है, सो
फॉल्ट करंट इज लेस, तो प्रेशर जो है वो भी कम होगा. सो गैसेस कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लैटरल ऑरिफाइसेस और आर्क स्प्लिटर. सो आर्क स्प्लिटर आर डिजाइंड इन सच अ वे द व्हेन द करंट इज लेस देन द प्रेशर इज लेस, सो द गैस कैन नॉट पास थ्रू दिस पर्टिकुलर लैटरल ऑरिफाइसेस बिकॉज दिस इज प्रोवाइडेड बाय मेंटेनिंग 90 डिग्री बैंड. सो दैट्स व्हाई जो गैस का प्रेशर होगा वो इसको पास नहीं कर पाएगा और गैस को यहां से निकलना पड़ेगा. तो यहाँ से ये मूविंग कॉन्टैक्ट बाहर निकलेगा तो प्रेशर प्रेशराइज गैस जो इस तरह से निकल जाएगा और ऑयल जो है इसके अंदर चला जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल्फ कंपनसेटेड एक्सप्लोजन पॉट. उसके बाद वन मोर वो है फोर्स ब्लास्ट. ये जो है ना वो है फोर्स ब्लास्ट ऑयल सर्किट ब्रेकर. इसके अंदर क्या होगा, इन द सेल्फ ब्लास्ट ऑयल सर्किट ब्रेकर द प्रेशर वॉज डेवलप्ड ड्यू टू द आर्क to force the oil across the arc path, that we know. The major disadvantages with this step is long arcing times and inconsistency at lower current at hame bhaiya pata hai at lower current. So yahan pe pressure jo developed ho raha hai na is insufficient to force the oil in the arc path. Fine, this difficulty is overcome in force blast oil circuit breaker which will not rely on the arc to generate the pressure, but it is supplied from some external source. I repeat once again, in the self blast oil circuit breaker, the pressure was developed due to the arc to force the oil across the arc path, that we know. The major disadvantages is that in the that type is long arcing times is required and inconsistency at lower current as pressure developed is insufficient to force the oil in arc path. So this difficulty is overcome in force blast oil circuit breaker which will not rely on the arc to generate the pressure, but it is supplied from some external force. This can be achieved by piston cylinder, this particular piston cylinder arrangement. The movement of piston is coupled mechanically to moving contacts or spring released by tripping mechanism, and this arrangement enables high speed interruption. पिस्टन की वजह से जो है ना ऑयल का प्रेशर आप जो है इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. सो द मूवमेंट ऑफ पिस्टन इज कपल्ड मैकेनिकली टू मूविंग कॉन्टैक्ट्स और स्प्रिंग रिलीज्ड बाय ट्रिपिंग मैकेनिज्म एंड दिस अरेंजमेंट एनेबल्स हाई स्पीड इंटरप्शन. सो व्हेन अ फॉल्ट अकर्स द कॉन्टैक्ट्स गेट सेपरेटेड एंड आर्क इज स्ट्रक, द पिस्टन फोर्सेस अ जेट ऑफ ऑयल टुवर्ड्स द कॉन्टैक्ट गैप विच विल एक्सटिंग्विश द आर्क. ये पिस्टन की वजह से क्या होगा, देखिए यहाँ पे मूविंग कॉन्टैक्ट या फिक्स कॉन्टैक्ट है, दोनों अगर ये सेपरेट होंगे या आर्क स्प्लिटर है तो ये पिस्टन जो है ना वो फोर्सली ऑयल जो है ना यहाँ पे तो ऑयल भरा रहेगा ना, तो ऑयल को वो क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, वो प्रेशराइज करेगा. तो ऑयल का जेट जो है वो पूरा फोर्स से ऑयल जो है इस तरह से यहाँ से निकलेगा और आपके आर्क को वैनिश कर देगा, ठीक है ना. सो द अबो लिमिटेशन इज ओवर, जो भी लिमिटेशन थी वो ये फोर्स ब्लास्ट ऑयल सर्किट ब्रेकर में जो है वो क्या हो जाएगी, ओवरकम हो जाएगी. ओके उसके बाद अगर मैं देखूं, देखिए दिस इज ऑल अबाउट द ऑयल सर्किट ब्रेकर. तो ये अगर आप देखिए अगर मैं बोलूं कि जो भी बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर है वहां पे क्या होगा, अगर 110 केवी का अगर आप यूज कर रहे हो कोई भी डिवाइस हो, 110 केवी जो है आपकी वोल्टेज है, 3500 एमवीए का ब्रेकर में नीड अप टू 10,000 kg ऑफ ऑयल, यानी कि इतना ब्रेकर जो है 3500 एमवीए का ब्रेकर उसको चाहिए 10,000 kg ऑफ ऑयल, और 220 kV अगर है तो आपके ब्रेकर को चाहिए 50,000 kg ऑफ ऑयल, यानी कि आप देख सकते हैं इस फिगर में कितना बड़ा टैंक चाहिए. तो ये इसका डिसएडवांटेज है बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर का, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट दी बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर. वी विल कंटिन्यू विद दी मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर इन दी नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.